hello dear students welcome to online classes of srimavir education of kishangarh we are discussing about sets okay today i will discuss about open interval and closed interval what is open interval the interval denoted as open bracket a comma b a and b are real numbers is an open interval means including all the elements between a to b but excluding a and b means we have to take numbers between a and b for example 1, comma 6 then numbers are included 1 to 6 okay it means for example 1.1 1 .1, 1 1.2 1 1.3 2 3 4 5 but not exclude but not include 1 and 6 means excluding 1 and 6 taking all real numbers okay क्लोज इंटरवेल नाउ आई डिस्कस क्लोज इंटरवेल ओके दिस इज़ द सिंबल ऑफ क्लोज इंटरवेल एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ ओपन इंटरवेल ओके ए कॉमा बी क्लोज इंटरवेल ए कॉमा बी मीन्स इंक्लूडिंग ए ओल्सो बी ओल्सो एंड रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी ओके द इंटरवेल डिनोटेड एज ए कोमा बी A and B are real numbers, is an open interval means including all the elements between A to B and including A and B also. Means we have to take 1 and 6 also and number between 1 to 6. Means, for example, close interval 1 to 6 means we have to take number 1 and 6 also. एंड बिटवीन नंबर वन एंड सिक्स ओके फॉर एग्जाम्पल वन पॉइंट वन ओके वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ऑल्सो मीन्स ऑल रियल नंबर बिटवीन वन एंड सिक्स एंड ऑल्सो इंक्लूड ए एंड बी मीन्स वन एंड सिक्स ओके मीन्स ओपन इंटरवेल और क्लोज इंटरवेल में डिफेंस क्या है एक बार फिर से बता देता हूँ ओपन इंटरवेल ए बी का मतलब ये हुआ बेटा कि ए को भी ए को और बी को तो लेना नहीं है ए को इंक्लूड नहीं करना है और बी को भी इंक्लूड नहीं करना है बट ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ जाते हैं उन सभी रियल नंबर्स को हमें लेना है फॉर एक्ज़ाम्पल वन कॉमासविन ओपन इंटरवेल अगर आपके पास में आ जाए वन कामा सेवन ओपन इंटरवेल तो आप क्या समझोगे इसका मतलब ये हुआ आप 1.1 ले सकते हो 1.2 ले सकते हो 1.3 ले सकते हो 1.4 ले सकते हो 1.41 ले सकते हो 1.42 ले सकते हो 1.43 ले सकते हो 2 ले सकते हो 3 ले सकते हो 4 ले सकते हो 5 ले सकते हो 6 ले सकते हो 6.99 तक ले सकते हो बट आपको सेवन नहीं लेना है 1.6 सिक्स ओपन इंटरवल मीन्स वन से 6 के बीच के सभी रियल नंबर आपको लेने हैं ले सकते हैं यूज में ले सकते हैं बट वन और सेवन को नहीं लेना है और क्लोज इंटरवल वन कोमा सेवन का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए वन भी लेना है सेवन भी लेना है और वन और सेवन के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं उनको भी लेना है ओके okay. ये होता है ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मीनिंग आप समझ गए होंगे नेक्स्ट देखिए अब आप देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ इंटरवल है ना अब आपको टाइप्स ऑफ इंटरवल में हर एक चीज अच्छे से समझनी है सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर यह दे रखा है ये देखिए आप ओपन इंटरवल ए कोमा बी मीन्स अक्स क्या है यहाँ पर यहाँ पर अक्स फिर यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पर यह जो ब्रिकेट है ये है कल्ली ब्रिकेट इसमें दिया है अक्स जहाँ अक्स क्या है ए लेस देन अक्स क्या है ए लेस देन लेस देन बी मीन्स अक्स है वो ए से तो बड़ा है बट बी से छोटा है जो अक्स है वो यहाँ पर क्या है ओपन इंटरवेल ए बी का मतलब जो अक्स है वो ए से तो बड़ा है और बी से क्या छोटा है एग्जाम्पल आपको मैं बता दूँ यहाँ पर अगर आपके पास में है वन कोमा सेवन ओपन इंटरवेल इट मीन्स हमारा अक्स क्या हो सकता है वन से बड़ा होगा लेकिन सेवन से क्या होगा छोटा होगा ये होता है वन कोमा सेवन का मतलब मतलब वन इंक्लूड नहीं है और सेवन भी इंक्लूड नहीं है बट वो वन और सेवन के बीच के सभी नंबर इनकलूड है ए b बी क्लोज इंटरवेल का मतलब क्या होता है ये देखिए ए b बी क्लोज इंटरवेल का मीनिंग यहाँ समझ रही है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवेल मीन्स यहाँ वन और सेवन के लिए मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो वन और सेवन दोनों इंक्लूड है तो इसके लिए अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी हो तो वन से बड़ा है एक्स और यहाँ इक्वल भी लेना है और यहाँ इक्वल भी लेना है मीन्स वन लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल सेवन समझ गए होंगे आप जो अक्स है वो वन भी हो सकता है सेवन भी हो सकता है और वन से बड़ा भी हो सकता है और सेवन खुद भी हो सकता है और सेवन से छोटा भी हो सकता है लेस देन इक्वल का मतलब ये हुआ वन खुद इंक्लूड है और वन से नंबर या तो बड़ा होगा या वन खुद इंक्लूड हो सकता है देखिए नेक्स्ट टाइप आपको दिख रहा होगा ए कोमा बी अब आप समझ रहे होंगे ए तो क्लोज है और बी पे क्या है यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप ए तो क्लोज है कोमा बी क्या है ओपन है एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख देता हूँ वन कोमा सेविन यहाँ वन पर क्लोज इंटरवेल है और यहाँ सेविन पे क्या है ओपन ये ओपन समझ लेना आप सुन लेना जो बोल रहा हूँ वो वन कोमा सेविन वन तो कौन सा इंटरवेल है क्लोज वाला और सेवन पे कौन सा है ये वाला ओपन वाला इट मीन्स वन तो इंक्लूड है और सेवन इंक्लूड नहीं है और वन और सेवन के बीच के सभी नंबर इंक्लूड है इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो देख लीजिए आप इसको ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन बी यहाँ लेस देन इक्वल नहीं लगाओगे क्यों क्योंकि ए पर तो क्लोज इंटरवेल है और बी पर कौन सा इंटरवेल है ओपन इंटरवेल है अगर बी पे भी क्लोज़ होता तो यहाँ में लेस देन इक्वल लगा देता अब आप समझ गए होंगे अब देखिए नेक्स्ट टाइप का देख लीजिए लास्ट है लास्ट में दोनों साइड क्या है ओपन इंटरवेल लास्ट में दोनों साइड कौन सा है ओपन इंटरवेल ये वाला ए कॉमा बी अंदर लिखा हुआ है इट मींस आपको सॉरी इसमें यहाँ मिस्टेक है लास्ट वाले में यहाँ क्लोज देना चाहिए था इसको यहाँ क्लोज देते हैं तो कैसे लिखेंगे फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे हम अगर हमें इसको लिखना हो जैसे कि यहाँ है ए कॉमा बी यहाँ पर क्लोज इंटरवेल है इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे ए लेस लेस इक्वल बी क्योंकि बी पर इंटरवल कौन सा है क्लोज इंटरवल है समझ रहे होंगे आप अच्छे से नेक्स्ट टाइप देखिए आप नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ वेन डाइग्राम अब आपको समझना वेन डाइग्राम देखिए ये एक वेन जो है ये कौन था वेन वेन एक मैथमेटिशियन का नाम है इसने कुछ डायग्राम समझाए इसने सेट को समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स को यूज लिया तो वेन मैथमेटिशियन ने जो डायग्राम यूज लिया उनको बोलते हैं वेन डायग्राम, ओके इसने वेन डायग्राम जो दिए उसकी हेल्प से हम लॉजिक्स को समझ सकते हैं और सेट्स को समझ सकते हैं ओके ये देखिए वेन ने क्या बताया वेन ने ये बताया कि आपके पास में भाई जो यूनिवर्सल सेट होगा ना उसको तो आप किसी रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना वेन ने क्या बताया कि आप यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करना रेक्टेंगल से और जो उसका सबसेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करना आप सर्कल से रिप्रेजेंट करना वेन कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स एंड क्लोज करव कर यूजअली सर्कल्स द यूनिवर्सल इज रिप्रेजेंटेड यूजअली बाई रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाई सर्कल्स वेन क्या बोल रहा है भाई साहब वेन ये बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट को तो आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना किससे रिप्रेजेंट करना रेक्टेंगल से ओके वेन ने क्या बोला कि आप यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करना रेक्टेंगल से ओके और इसके अंदर सर्कल बना करके आप क्या रिप्रेजेंट कर देना सबसेट्स को रिप्रेजेंट कर देना ओके यह वेन ने बताया नेक्स्ट देखिए अब यहां आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस एग्जाम्पल को आपको अच्छे से समझना है ओके इन फिगर यूनिवर्सल देखिए यूनिवर्सल है यूनिवर्सल को यू से रिप्रेजेंट कर रखा है एक यूनिवर्सल सेट है आपके पास में उसके अंदर एलिमेंट है से लेकर टेन तक से वन कोमा अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं रीडिंग करके बता देता हूँ नाइन टेन ये एलिमेंट यूनिवर्सल में है ओके इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच कैपिटल ए इक्वल टू कोमा फोर कैपिटल ए इक्वल टू कोमा फोर एक सेकेंड में इसको थोड़ा सा हाँ इज़ द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच कैपिटल ए इक्वल टू फोर थ्री से लेकर टेन तक है ठीक है टू फोर थ्री से लेकर कहाँ तक है टेन तक और हमें इसको एक्सप्लेन करना है किसकी हेल्प से वेन डायग्राम की हेल्प से देखिए यूनिवर्सल के अंदर क्या क्या एलिमेंट लिखने हैं आपको ये यूनिवर्सल है रेक्टेंगल इसमें सभी लिख देने वन से लेकर टेन तक और कैपिटल ए है उसमें वन नहीं है कैपिटल ए में क्या नहीं है वन नहीं है तो वन तो मैं इधर लिख देता हूँ और कैपिटल ए में टू है थ्री है फोर टू है फोर है फाइव है सिक्स है जो भी है वो कैपिटल ए के अंदर लिख देंगे ये तो कैपिटल ए बना देंगे अंदर क्योंकि वो सबसेट है कैपिटल ए में वन नहीं है ना तो ये सबसेट हो गया तो इसको तो अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे और यूनिवर्सल को किससे कर देंगे रेक्टेंगल से तो एलिमेंट्स ए वाले ए के अंदर आ जाएंगे जो बच गए ना वो इस रेक्टेंगल और सर्कल के बीच में इधर या इधर, इधर इधर नोट कर देंगे ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लियर लिख रखा है उसमें क्लियर नहीं दे रखा था अब यहाँ जो फिगर है उसमें बोला गया है यूनिवर्सल है वो वन से टेन तक है यूनिवर्सल में एलिमेंट क्या है वन है टू है थ्री, है, थ्री है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक है ओके यूनिवर्सल में वन से लेके कहाँ तक है टेन तक है कैपिटल ए में है टू फोर सिक्स एट टेन कैपिटल ए में क्या है कैपिटल ए में आपके पास में है टू है फोर है सिक्स है एट है और क्या है टेन है ओके okay. और कैपिटल बी में है केवल और केवल फोर कोमा सिक्स कैपिटल बी में कौन कौन से एलिमेंट है केवल और केवल फोर कॉमा सिक्स अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर आपको यहाँ ऑल्सो एंड ऑल्सो बी सबसेट ऑफ ए बी है वो ए का क्या है सबसेट है आपको इसे वेन डाइग्राम से रिप्रेजेंट करना है देखिए मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी के अंदर क्या क्या है मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ बी के अंदर है फोर कामा सिक्स फोर कामा सिक्स और ए के अंदर क्या क्या है ए के अंदर है टू फोर सिक्स एट और टेन तो ये तो भाई सबको दिख रहा है कि बी है वो A का सबसेट है सबको दिख रहा है पता होगा आपको सबसेट की डेफिनेशन ये जो सिंबल है ना इधर मैंने बनाया ये सबसेट का सिंबल होता है इट बी सबसेट है ए का बिल्कुल है देखो बी के सभी एलिमेंट बी में क्या क्या एलिमेंट है एक तो फोर है और एक क्या है Six है दोनों किस में अवेलेबल है ए में बी के ऑल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर अवेलेबल इन ए सो बी इज द सबसेट ऑफ ए बी के सभी के सभी एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है इसलिए बी है वो ए का सबसेट है क्वेश्चन भी में भी लिख रखा है ठीक है अब हमारा यूनिवर्सल है वन से लेकर के टेन तक अब देखिए आपको इसका जो आंसर है वो वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया है मैं इधर अलग से बना करके आपको बता देता हूँ सबसे पहले सबसे जो छोटा सेट है वो कौन सा यहाँ पर बी हो गया सबसे छोटा सेट कौन सा हो गया बी हो गया क्यों भाई क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है एक तो फोर है और एक कौन सा है सिक्स वो मैंने इसमें लिख दी ये फोर है ऊपर वाला ये सिक्स है ओके अब नेक्स्ट फोर सिक्स इससे बड़ा ये B है ये सबसेट है A का तो मतलब B के बाहर A बनाना पड़ेगा हमको क्यों क्योंकि B के सभी के सभी एलिमेंट A में अवेलेबल है तो ये अभी जो मैंने सर्कल बनाया है वो किसके लिए A के लिए A में है टू फोर सिक्स एट टेन तो फोर सिक्स तो आ गए क्या, क्या क्या बच गया एक तो टू बच गया एक एट बच गया एक टेन बच गया वो कहाँ आ जाएंगे इस ए इस बी से तो बाहर आ जाएंगे और ए के बीच में आ गए अब देखो ए सेट में सभी एलिमेंट अवेलेबल है ये जो ए सेट है ना बाहर जो मैंने अभी भी बनाया है इस ए सेट के अंतर इस ए सेठ में सभी जो ए के एलिमेंट है वो अवेलेबल है ए में क्या क्या है यहाँ देखिए आप ए में है टू रहा टू फोर सिक्स ए टेन सभी अवेलेबल है अब मुझे यूनिवर्सल बनाना है तो यूनिवर्सल मुझे बनाना है रेक्टेंगल से क्या क्या बच गए भाई वन नहीं आया एक तो, तो वन यहाँ लिख देंगे एक वन नहीं आया थ्री नहीं आया फाइव नहीं आया सेवन नहीं आया नाइन नहीं आया ये मेरा आंसर हो गया ये यहाँ पर समझा रखा है इसमें बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से आपको दे रखा है जो यहाँ पर बी है वो ए का सबसेट है इसलिए वो जो बी वाला है सर्कल वो ए वाले के अंदर आ गया और फिर वो यूनिवर्सल पूरे के बाहर आ गया इसके अंदर तो बी वाले एलिमेंट लिख दिए और इसके यहाँ जो है इन दोनों सर्कल इन ये जो बीस वाला स्पेस है इसमें वो एलिमेंट लिख दिए जो ए के अंदर है और बी में नहीं थे और फिर जो बच गए वो सभी यूनिवर्सल वाले यहाँ रेक्टेंगल में बाहर की तरफ रिप्रेजेंट कर दिए तो रेक्टेंगल में तो सभी आ गए ना समझ रहे होंगे आप अच्छे से अब देखिए नेक्स्ट इस स्लाइड को देखिए आप वन सेकेंड थोड़ी सी जूम कर देता हूँ मैं हाँ ऑपरेशन ऑन सेट्स सेट पर हम अब ऑपरेशन समझेंगे सेट पर क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं वो हम स्टडी करेंगे एक तो यूनियन और एक इंटरसेक्शन समझना आपको नाउ यू आर टेकिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन देखिए यूनियन क्या है यूनियन आप वर्ड से समझ रहे होंगे यूनियन क्या है यूनियन का मीनिंग ये होगा अगर आप मिला लेते हैं ए और बी के एलिमेंट को मिला लेते हैं तो वो यूनियन होता है एग्जाम्पल देता हूँ मैं यूनियन का मान लीजिए ए में ए एक सेट है इसमें एलिमेंट है वन और टू ओके बी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है टू और थ्री अगर मुझे क्या करना है अगर मुझे करना है ए यूनियन बी मुझे क्या करना है ए यूनियन का साइन ये रहा ए यूनियन यहाँ बी लिख दिया मैंने ए यूनियन बी तो देखिए ए यूनियन बी क्या आएगा वन सेकेंड रुकना ए यूनियन बी देखिए क्या आएगा ए यूनियन बी क्या आएगा ए क्या लिया था मैंने वन टू लिया था ओके बी क्या लिया था मैंने बी मैंने लिया था टू कोमा थ्री तो देखिए ए यूनियन बी में क्या आएगा इन दोनों के एलिमेंट ले लीजिए वन टू थ्री आएगा अब आप कहोगे सर टू तो इसमें भी है और इसमें भी है तो भाई सेट का एक रूल और है सेट के अंदर कोई एलिमेंट को रिपीट करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है इसमें आप वन कोमा टू कोमा टू कोमा थ्री लिखते तो भी कोई मीनिंग नहीं था एलिमेंट तो इसमें कितने कंसीडर किए जाएंगे थ्री ही कंसीडर किए जाएंगे तो ए यूनियन बी आ गया वन कोमा टू कोमा थ्री ये होता है ए यूनियन बी ए के और बी के दोनों के एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी और किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता जो फाइनल जो यूनिवर्सल वाला सेट जो दोनों का यूनियन करने के बाद जो सेट आता है उसके अंदर हम कभी भी जो एलिमेंट्स होंगे उनको ले तो लेंगे लेकिन रिपीट किसी भी एलिमेंट को नहीं करेंगे अब देखिए अब मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ आपको ए इक्वल हमारा था वन टू बी इक्वल हमारा था टू थ्री अगर मैं इन दोनों का यूनिवर्सल करूँ है ना यूनियन करूँ सॉरी क्या दोनों का क्या करूँ मैं यूनियन और यूनियन करता हूँ ए यूनियन बी करता हूँ और उसको मैं वेन ग्राम से रिप्रेजेंट करता हूँ ए के एलिमेंट है वन और टू वन कोमा टू ये मैंने ए बना लिया सर्कल से और एक मैंने क्या बना लिया बी बना लिया बी के एलिमेंट क्या है टू और थ्री टू कोमा थ्री तो यह है ए यूनियन बी ये ए यूनियन बी होगा और दोनों को लेकर के सबको ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा यूनिवर्सल ये ए यूनियन बी होता है मीन्स ए के भी एलिमेंट ले लेंगे बी के भी एलिमेंट ले लेंगे और ये वाला जो एरिया है ये दोनों में कॉमन आ रहा है ये कॉमन क्यों आ रहा है क्योंकि टू ए में भी था देखिए ए में भी टू है और बी में भी टू है इसलिए ये कॉमन आ गया देखिए यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन यहाँ से देख लीजिए द यूनियन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी ओके सो दैट द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दो एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और बी और इन बोथ मीन्स यहाँ पर ए और बी से हैं, मिला करके ए यूनियन बी करने पर एक ए यूनियन बी करने पर सी आपके पास में एक सेट आ रहा है कब मिल रहा है सी आपको ए यूनियन बी करने पर मिल रहा है देखिए ये एक को ले लिया ये बी को ले लिया और ये जो हमें फाइनल मिल रहा है इन दोनों को ये जो पूरा एरिया है इसको हम क्या बोल देंगे सी बोल सकते हैं ठीक है ये इसकी डेफिनेशन है ठीक है मीन्स आप यूनियन में क्या करोगे ए के भी एलिमेंट ले लोगे और बी के भी एलिमेंट ले लोगे खत्म सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ यूनियन ठीक है यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको दे रखी है आप समझिए इनको अच्छे से एग्जाम्पल ले करके समझ सकते हैं आप ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है आपको ध्यान रखना ए यूनियन बी और बी यूनियन ए ऑलवेज सेम आएगा क्यों भाई आपके पास में अभी भी मैंने एग्जाम्पल दिया था ए था वन कोमा टू ओके और बी था आपके पास में टू कोमा थ्री एक बात बताइए आप मुझे अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा तो भी मुझे वन कोमा टू कोमा थ्री मिलेगा और मैं बी यूनियन ए करूंगा तो भी मुझे वन कोमा टू कोमा थ्री मिलेगा तो इक्वल दोनों इक्वल आएंगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है उसको इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्बिटेटिव लॉ ये जो लॉ है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ कॉम्पिटेटिव लॉ क्या होता है बच्चों कॉम्पिटेटिव लॉ का मीनिंग ये होता है ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए अगर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है अगर कई बार ए यूनियन बी और बी यूनियन ए मान लीजिए किसी में सेम नहीं आए तब हम बोल देते हैं कि कॉमिटेटिव नो कॉम्पिटेटिव लॉ है वो अप्लाई नहीं हो रहा बट यहाँ पर हो रहा है हम बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट्स अप्लाइंग कॉम्पिटेटिव लो मीनस यूनियन ऑफ टू सेट्स यूनियन ऑफ टू सेट्स फॉलोज कॉम्पिटेटिव लो ये मैं बोल सकता हूँ अब आपको बताना एसोसिएटिव लो आपने एट्थ क्लास में भी वैसे पढ़ा होगा एसोसिएटिविटी क्या होती है कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एसोसिएटिव का मीनिंग ये होता है आपको प्रॉपर्टी तीन में बतानी होती है तीन में मीनिंग क्या हुआ देखिए ए बी और सी तीन में अगर आपको दो दो में बतानी होती है ए यून बी इक्वल बी यूनियन ए तो उसे बोल देते हैं हम कॉमिटेटिव प्रॉपर्टी और अगर हमें तीन में बतानी होती है ए यूनियन बी यूनियन सी में तो उसे हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी ओके तो ए यूनियन बी पहले हम ए यूनियन बी लेते हैं फिर उसका यूनियन करते हैं हम सी के साथ ओके तो ए यूनियन बी करते हैं जो इस जिसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम यूनियन करते हैं सी के साथ तो वो इक्वल किसके आता है ए यूनियन बी यूनियन सी के इक्वल आता है अगर पहले हम इन दोनों का यूनियन कर फिर इसके साथ करें तो रिजल्ट सेम आता है आप कोई एग्जाम्पल भी यहाँ पर ले करके देख सकते हैं ओके ए बी और सी के थ्री एग्जाम्पल आप ले लेना एग्जाम्पल आप क्या ले लोगे आप ले लेना, A में one, ले लेना ए में वन टू ले लेना बी में टू थ्री ले लेना और सी में फोर फाइव ले लेना फिर आप ए यूनियन बी बी यूनियन सी वो सब करके इसको फॉलो करके देख लेना सेम आएगा रिजल्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन फाई यूनियन फाई इक्वल ए बिल्कुल सिंपल आपको पता है फाई क्या है फाई क्या है फाई एम टी सेट है फाई क्या है एम टी सेट है तो आप एक बात बताइए अगर किसी भी सेट के साथ में फाई का यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा फाइव में kind of so wow. तो कुछ है ही नहीं फाइव में कोई अवेलेबल ही नहीं है एलिमेंट ए अगर आपके पास में वन टू ए में एलिमेंट है वन कोमा टू और बी में क्या कुछ भी नहीं है बी तो फाइव है बी क्या है फाइव तो ए यूनियन बी भी क्या आएगा वन कोमा टू तो ए यूनियन फाइव इक्वल ए इसी प्रकार ए यूनियन ए भी ए ही रहेगा और यूनिवर्सल यूनियन ए करोगे यूनिवर्सल यूनियन आप ए करोगे तो आपके पास में यूनिवर्सल आएगा यहाँ इसने गलत दे रखा है भाई यूनिवर्सल यूनियन लॉ ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल का यूनियन करोगे आप ए के साथ तो यूनिवर्सल आने वाला होता है इसने यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिख रखा है लिखकर यूनिवर्सल कर लो ओके यूनिवर्सल यूनियन ए इक्वल यूनिवर्सल ही आएगा ठीक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन अब आपको एक और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी अब आपको इंटरसेक्शन समझना पड़ेगा देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है इंटरसेक्शन को सबसे पहले अपन किस सिंबल से इंटरसेक्शन interse को रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता हूँ जस्ट अपोजिट सिंबल लेना आपको ये वाला इससे रिप्रेजेंट करते हैं ओके वन सेकेंड हाँ इंटरसेक्शन जो है उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन का जस्ट अपोजिट सिंबल इंटरसेक्शन का मीनिंग आप समझ लीजिए इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है इंटरसेक्शन का मीनिंग ये होता है एग्जाम्पल मैं लेके बता रहा हूँ ए इक्वल वन टू है ओके okay? और बी इक्वल है टू थ्री तो इंटरसेक्शन का मीनिंग ये हुआ ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है अगर मैं ए इंटरसेक्शन सेक्शन बी की बात करूँ यहाँ पर तो वो आएगा केवल टू दोनों में जो कॉमन है उसी को लेंगे इंटरसेक्शन में जो कॉमन है उसी को ही हम लेंगे अब इंटरसेक्शन भी आपके लिए बहुत ईजी हो गया आप समझ गए होंगे इंटरसेक्शन क्या होता है अब इंटरसेक्शन का जो वेन डाइग्राम है वो भी आप इजी वे में समझ जाएंगे इंटरसेक्शन के वेन डाइग्राम में क्या होगा एक्चुअली ये टू सर्कल है ना ये लीजिए अब इसमें यूनिवर्सल में कौन सा एरिया आएगा वो आ, ये वाला आएगा जो दोनों के अंदर कॉमन है ये इंटरसेक्शन के अंदर आएगा ये ए इंटरसेक्शन बी है अगर ये इधर वाला लेफ्ट वाला ए और राइट वाला सर्कल बी है तो तो ये इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन अब इसकी भी जो प्रॉपर्टीज़ है ये आप देख लेना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी सभी जो प्रॉपर्टीज़ है ये इंटरसेक्शन वाली अगर आपको यूनियन की प्रॉपर्टीज आ गई तो आप इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी आपको आ जाएगी अब नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है मान लीजिए यूनिवर्सल तो है वन टू थ्री वन टू थ्री यूनिवर्सल में एलिमेंट क्या है वन टू थ्री ये एलिमेंट है यूनिवर्सल में ओके okay? और आपके पास में ए में एलिमेंट है केवल और केवल टू अब आपको पूछिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है तो आप टू को छोड़ के जो यूनिवर्सल में है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन कोमा थ्री कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मीन्स इसे एडेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डेस क्या हो जाएगा वन कोमा थ्री कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या हुआ अगर यूनिवर्सल में आपके पास एलिमेंट है वन कोमा टू कोमा थ्री और ए में एलिमेंट है केवल टू तो ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए डेस क्या होगा उस टू को छोड़ दीजिए यूनिवर्सल में से वन कोमा थ्री हो जाएगा बस यही आंसर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मीन्स हो गया ए नोट समझ गए आप इसको वेन डाइग्राम से भी समझ गए होंगे ये ए है ये क्या ए तो ए नोट क्या होगा जो ए में नहीं है और जो यूनिवर्सल के अंदर तो है लेकिन ए में नहीं है तो ये बाहर वाला ले लेंगे ये बाहर वाला ले लेंगे इस सर्कल के बाहर वाला ले लेंगे यही आपके पास में यही आपके पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है बहुत ही ईजी है सेट्स आपको सेट्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप ईजी वे में सेट्स को कर सकते हैं आपको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है और आपको टाइम देने की जरूरत है क्योंकि स्टार्टिंग में आपका बेस बिगड़ गया तो आगे तक बिगड़ा हुआ ही रहेगा आपको हमेशा जो स्टार्टिंग है वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी काम में हो स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए नींव मज़बूत होनी चाहिए तभी उस पर बिल्डिंग बनाई जा सकती है तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि जो स्टार्टिंग के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको आप अच्छे से समझ लो आप बुक को खोलिए बुक को देखिए फर्स्ट चैप्टर को निकालिए सेट्स उसके अंदर अलग अलग सिम्बल्स आपको बनाए हुए मिलेंगे ऐसे सिम्बल मिलेंगे आपको ऐसे ये इट मीन्स बिलोंग्स टू इट मीन सेट है ना ओके ये ऐसे जो सिम्बल्स हैं इट मीन्स फॉर एवरी इन सब सिंबल्स को पढ़िए समझिए वहाँ से टाइम दीजिए आप है ना सेल्फ स्टडी कीजिए आपको सबको समझ में आएगा धीरे 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 सब लाइन पर आ जाएगा आपको मैथ्स में कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 11, ट्वेल्थ की मैथ्स का अगर आप नाम लेते हैं तो इट मींस वो कुछ भी नहीं है 11, ट्वेल्थ की मैथ्स आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कुछ भी नहीं है अगर आप बेस मजबूत कर लेते हैं तो इतनी ज़्यादा ईजी है कि आपके टेंथ स्टैंडर्ड में तो फिर भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है आपको खूब टेबल भी आनी चाहिए ट्वेंटी नाइन की टेबल आनी चाहिए से, ट्वेंटी सेवन की आनी चाहिए इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन का लफड़ा नहीं है हमारी अब जो हम मैथेमेटिक्स पढ़ेंगे या हायर मैथेमेटिक्स है इसमें कैलकुलेशन कम होगी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगी इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे एक बार आप इनको फोकस कर लो फिर अपने आप आप सब कुछ कवर कर जाओगे ओके स्टूडेंट्स 그리고.